हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे वॉच टेबल टेस्ट पे कुछ टफ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, तो आज हम करेंगे उनको दूर। तो फ्रेंड्स ब्रीफली बताना चाहूँगा कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन होंगे सारे यूनिक होंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो वॉच टेबल टेस्ट में हमें मतलब टिपिकल क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ़ आएंगे, लेकिन ऐसे दो तीन क्वेश्चन ज़रूर होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके जितने भी डाउट्स इनमें थे वो डाउट्स दूर होने वाले हैं इस वीडियो के बाद, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हम कवर करेंगे ये डायगोनल वाला, बहुत ज़्यादा डायगोनल्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रही है और बायां दायां डायगोनल इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, ये पेयर वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसके बाद क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज टेबल में कैसे घूमना, इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स इन सब दिक्कतों को आज करेंगे दूर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, तालिका के सभी विकर्णों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने पर, शेष को उसी प्रकार छोड़ने पर कौन अक्षर दोनों विकर्णों के सबसे अधिक बार आता है। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले की बात ये आती है कि सभी विकर्ण, तो ये हमारी टेबल में सभी विकर्ण हैं कितने, ठीक है। तो जैसे टेबल में हम देखें तो टेबल में मतलब विकर्ण कितने, अगर जैसे यहाँ पे अगर कोई टेबल बना लेते हैं तो अगर मतलब यहाँ पे जो विकर्ण मीन्स डायगोनल अगर देखेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो दो डायगोनल हो गए। तो मतलब कहेंगे कि सभी विकर्ण, मतलब कई बार आपने देखा होगा चारों विकर्णों को बदलने पर, तो मतलब माइंड में टेंशन आ जाती है कि ये चार कहाँ से आ गया जब दिख तो हमें दो ही रहे। तो इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पे है क्या, लफड़ा क्या है कि जैसे कि विकर्ण का देखो यहाँ पे सीन समझते हैं कि चार विकर्ण होते कैसे। बेसिकली विकर्ण यहाँ पे जो हैं वो हमारे दो ही हैं, लेकिन दो विकर्ण को चार विकर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मतलब कैसे हम देखेंगे उसे, उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की करते हैं कोशिश। देखो सबसे पहला जैसे कि यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि रो फर्स्ट का विकर्ण, ठीक है, रो फर्स्ट का विकर्ण का मतलब है कि रो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये इस टाइप से। तो यहाँ से देखो इस तरीके से ये विकर्ण हमने ऐसे डाल दिया ये, ठीक है, ये डायगोनल हमारा हो गया। अब देखा जाए फ्रेंड कि कॉलम फर्स्ट भी कह सकते हो, कॉलम फर्स्ट, तो कॉलम फर्स्ट भी अगर देखा जाए तो ये वाला कॉलम फर्स्ट है ये, तो अगर यहाँ से ये चीज़ अगर स्टार्ट कर दो, यहाँ से ये वाला विकर्ण होगा सेम विकर्ण होगा, वो क्या होगा कि कॉलम फर्स्ट का मतलब विकर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब है रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलम फाइव ये है, तो पहला अक्षर ये हो गया और ये वाला एक डायगोनल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका तीसरा हो गया कॉलम फाइव, और चौथा जो हो गया वो रो फाइव का हो गया। रो फाइव मतलब ये रो फाइव है, तो पहला ही अक्षर लिया जाएगा, अभी हम लोगों ने बात की थी, तो पहला अक्षर मतलब ये वाला ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए फ्रेंड कि मतलब जो हमारा डायगोनल है वो ये वाला दो बार इधर से इधर अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कॉलम वाला होगा, नीचे से ऊपर को जाएंगे तो रो वाला होगा, और इसी तरीके से यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे एक बार फिर से हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं, जो डाउट आपके अगर माइंड में आ रहा होगा तो बिल्कुल यहाँ से दूर हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं रो वन का अगर डायगोनल देखते हैं तो ये वाला हो गया, ठीक है। अब अगर कॉलम वन का देखते हैं तो सेम यही हो गया। अब देखते हैं कॉलम फाइव का देखते हैं तो कॉलम फाइव ये हो गया हमारा, तो डायगोनल हमारा ये नीचे की तरफ इस तरीके से। अब अगर रो फाइव का देखते हैं तो रो फाइव का यहाँ से ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चार डायगोनल हमारे हो गए, लेकिन बेसिकली देखे जाए तो यहाँ पे दो ही हैं, ठीक है, थीके? तो रो फर्स्ट कॉलम फाइव रो फाइव, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद समझते हैं, देखो अगर एक कंडीशन ये आती है कि ऑल डायगोनल्स को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, अगर ऑल डायगोनल्स को चेंज कर दिया जाता है तो हमारा टेबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ लिख लो नो चेंज, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगा वो भी चीज़ थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। चेंज इसलिए नहीं पड़ेगा फ्रेंड क्योंकि यहाँ पे देखो ये जैसे डायगोनल है ए वी ई वी ई, ठीक है, अभी ये रो वन का है, ठीक है। अब हमने क्या किया इसे मतलब पलट दिया, ठीक है,
मतलब डायगोनल्स को अगर ऑल डायगोनल्स को अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये चीज़ आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगर हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो क्या होगा, ए यहाँ पे ए बी ई बी ई है, ठीक है। अब क्या रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ये वाला ई यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके, ई बी और ई बी ए इस तरीके से हो जाएगा। अभी तो ये रो ए का है, ठीक है, लेकिन जब हम कॉलम मतलब रो वन का भी ये है रिवर्स में किया है, अब जब हम कॉलम वन का करेंगे ना, कॉलम वन का करेंगे तो यही वाला फिर से क्या होगा, यही वाला फिर से वैसे ही लिख जाएगा, जैसे ये वाला ए है फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला बी यहाँ पहुँच जाएगा, ये ऐसे पहुँच। तो मतलब कहने का ये है कि दोबारा से जब उस चीज़ को लिखेंगे तो वो वही पोजीशन फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पे एकदम डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि क्या है कि अगर ऑल डायगोनल्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है तो हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को चलो आगे कंटिन्यू करते हैं कि तालिका के सभी विकर्णों को विकर्णों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखने पर, तो हाँ सेम कंडीशन है यही, शेष को उसी प्रकार छोड़ने पर कौन अक्षर दोनों विकर्णों में सबसे अधिक बार आता है। तो देखो बेसिकली जो दो विकर्ण होते हैं उन्हीं में पूछ रहा है कि मतलब कौन सा अक्षर ज़्यादा बार आता है। तो एक तो डायगोनल हमारा क्या हो गया, ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अब इनमें ज़्यादा बार क्या आ रहा है तो हम काउंट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि एक नज़र मारेंगे तो हमें कुछ लगेगा कि ए ज़्यादा बार है, तो ए कितनी बार है, एक दो और तीन ही बार है। अब ई पे देखते हैं, ई पे ई लग रहा है ज़्यादा बार है, तो एक ई यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा और ये रहा यहाँ पे, तो ई भी नहीं है। चलिए देखते हैं सबसे अधिक, नहीं यहाँ पे सबसे अधिक की जगह फ्रेंड सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम बार आता है, ठीक है। विच लेटर विल अपीयर मिनिमम टाइम्स इन बोथ डायगोनल, ठीक है। अब मिनिमम टाइम्स देखेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड क्या है कि मिनिमम टाइम हमारा क्या होगा कि ए है, ए देखो इस टाइप का भी आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है, मतलब हमें ये मतलब आंसर को जल्दी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख लें कि ए कितना है, थ्री टाइम्स है, वी कितना है, टू टाइम्स है। अब सी देखा जाए, सी सिंगल टाइम है, और डी देखा जाए तो डी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला, समझने की कोशिश करना। डी और ई देखा जाए तो ई तो थ्री टाइम्स है। देखो फ्रेंड्स अगर हमसे पूछा है सबसे कम बार आता है तो सबसे कम बार आने का मतलब हम ये आंसर बिल्कुल नहीं लगाएंगे जो बिल्कुल नहीं होगा। हम कह दें कि इसमें देखो डी आता ही नहीं है, मतलब जैसे कि इसमें डी नहीं आ रहा है और हम कह दें कि डी आंसर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे कम बार पूछा है मतलब आएगा जो आंसर वो हमारा इन्हीं डायगोनल्स में से ही होगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। लास्ट क्लास में भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि अगर यहाँ पे जैसे कि सबसे कम बार आता है तो यहाँ पे जैसे हमने इस डायगोनल में देखा ये वाला, ये डायगोनल है, एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे ये और ये, तो इसमें देखो डी कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे कम बार में डी को टिक कर दें, डी नहीं करना है। डी के बाद देखो कि सबसे कम बार कौन सा आया है, तो क्या है कि सी है, वो हमारा एक बार आया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड आ जाएंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि पूरा मतलब क्वेश्चन हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन क्या होगा कि हम गलती आंसर लगाने में कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप की मिस्टेक करने से हमें बचना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। पंक्ति एक और स्तंभ पाँच के विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखने पर, इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर होगा, जो स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर होगा। देखो फ्रेंड ये तो मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे नहीं आने हैं, ठीक है, लेकिन ये भी मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अगर एक एक टेबल पे आपको अगर 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ऐसे आपको टफ वाले मिल सकते हैं, मतलब इस टाइप का इतना टफ क्वेश्चन होगा वो एक से दो क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो
मतलब क्वेश्चन को मतलब ऐसा बिल्कुल हवा में नहीं रहना कि मतलब आसानी पेपर आ जाएगा, और ऐसा भी नहीं लेना है कि ऐसा ही आएगा बहुत ज़्यादा टफ आएगा, मतलब मॉडरेट पेपर रहेगा। तो अपन लोगों को क्या करना है, रिस्क नहीं लेना है इसमें, क्योंकि आप लोग स्कोर कार्ड अपने शेयर करते हो। तो मैंने देखा आज ही एक बंदा मतलब इस अपना शेयर किया था, उसके जो मार्क्स थे मतलब वॉच टेबल थे इसमें, तो उसके 50% से मार्क्स ज़्यादा थे, दो में ज़्यादा थे, ब्रिक्स में और टेबल में। टेबल था या वॉच था मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इनमें था, और बंदा दोनों टी स्कोर की वजह से बंदा क्या था, डिस्क्वालीफाई था। अच्छा, इस डिस्क्वालीफाई का रीज़न क्या हुआ? डिस्क्वालीफाई का रीज़न यही हुआ कि जो और बंदे थे जिन्होंने टेस्ट दिया था, उन्होंने क्या किया था, ब्रिक्स पे अच्छा स्कोर किया था और टेबल पे अच्छा स्कोर किया था। ठीक, यही बात मैंने आपको जब ब्रिक्स की लास्ट क्लास कराई थी तो मैंने बताया था कि ब्रिक्स में अगर आप सेफ़ मान के चल रहे फ्रेंड, तो अगर आप सोच रहे हो कि 42% स्कोर से हम पास हो जाएंगे, तो 42% स्कोर से आप ब्रिक्स में पास नहीं होने वाले, क्योंकि इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं बंदे। यहाँ पे आपको कम से कम अगर आप 35+ मार्क्स ला रहे हैं तो आप सोचें कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर आप श्योर चाहते हैं क्वालिफाई होना तो आप 40+ की अपनी प्रिपरेशन रखें, क्यूब और ब्रिक्स दोनों की। ठीक है, और वॉच टेबल में कम से कम मैं यही कहूँगा कि ऐसा कोई भी आपका बुरा से बुरा टेस्ट नहीं आना चाहिए जिसमें 7 मार्क्स से आपके कम है। ठीक है, 7 आउट ऑफ 10 आपके कम से कम मार्क्स आने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन को करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो डाउट जो भी हैं वो सारे हो जाएंगे दूर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, पंक्ति एक और स्तंभ पाँच के विकर्णों को उल्टे क्रम पे लिखने पर। तो देखो, उल्टे क्रम पे लिखने की बात हो रही है तो उल्टे क्रम पे हम लिखेंगे बाद में, अभी तो बिल्कुल नहीं लिखना, पहले पढ़ना, क्वेश्चन के लास्ट तक पहुँचना है। लिखने पर इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, अब उस अक्षर कौन सा अक्षर, तो उस अक्षर को देखते हैं, अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो जो स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर होगा, तो ये वाला अक्षर की बात हो रही है ना, जो उस अक्षर की, वो अक्षर ये है, वो अक्षर क्या है, स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर। तो स्तंभ एक मतलब कॉलम वन का सबसे नीचे अक्षर, ये अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर, इसके विकर्ण का दूसरा अक्षर। फ्रेंड एक बात यहाँ पे और समझने वाली बहुत है कि मतलब अगर यहाँ पे हमसे कहा जाए, देखो यहाँ पे बहुत समझने की कोशिश करना, अगर हमसे कहा जाए कि रो फाइव का अगर डायगोनल की बात की जाए तो क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, और अगर हमसे कहा जाए कि रो फाइव, जैसे कि यहाँ से अगर, ठीक है, रो फाइव का जैसे हमसे कहा गया, रो फाइव का डायगोनल का सेकेंड लेटर, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा। अब हमसे अगर कहा गया यहाँ से अगर सेकेंड देखना है, यहाँ से देखना है, तो जहाँ से काउंट करेंगे उसे छोड़ देंगे और आगे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब बाकी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि मतलब के और से वाला, और के और से को मतलब ब्लाइंडली भी नहीं देखना है, मतलब थोड़ा उससे मतलब जो स्टेटमेंट दिया होगा उसका मीनिंग भी देखेंगे कि मीनिंग निकल क्या रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपका जो से के वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका ये मान के चलिए कि मोर देन 90% आपका एकदम एग्जैक्ट फिट बैठेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जो स्तंभ एक के सबसे नीचे के अक्षर के विकर्ण का दूसरा अक्षर होगा, स्तंभ एक के सबसे नीचे अक्षर ये हो गया, के विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब इसका विकर्ण का दूसरा अक्षर, अब इसका विकर्ण का हमने बताया था दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर में ये वाला तो छोड़ना है, तो पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये, मतलब जो दूसरा अक्षर हो गया वो हमारा क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, ऊपर आते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर, ऊपर दूसरा अक्षर, इसके ऊपर दूसरा अक्षर, तो फ्रेंड फिर से देखो, पहला दूसरा, ऊपर दूसरा अक्षर, ऊपर दूसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, अब इसके बाएं दूसरा अक्षर, मतलब यहाँ पे ऐसे बैठ जाओ और देखो, इधर आपका हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट, और लेफ्ट दूसरा अक्षर, तो पहला और दूसरा, लेफ्ट दूसरा अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर, तो इसका विकर्ण अगर देखा जाए तो ये इसका विकर्ण होगा,
और इसका अंतिम अक्षर होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो हमारा दिया, नहीं नहीं आंसर हमारा यहाँ वाला हो जाएगा, ये वाला, लेकिन यहाँ पे भी देखो गलतियाँ कैसे होती हैं। पूरा क्वेश्चन हम पढ़ाए लेकिन लास्ट में क्या किया, उल्टे क्रम में लिखने पर यही चीज़ भूल गए, ठीक है। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी, मतलब लास्ट में आए फिर क्या करना है कि पंक्ति एक और स्तंभ एक के विकर्ण को उल्टे क्रम में, मतलब अब इसे उल्टे क्रम में लिखोगे जब, तो इसे जब उल्टे क्रम में लिखोगे तो यहाँ ई की जगह पे फ्रेंड क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी। मतलब सबसे पहले एक बार फिर से हल्के में समझते हैं इसे ब्रीफ में, कि पंक्ति एक और पंक्ति पाँच के विकर्ण को उल्टे क्रम में लिखना था, हमने क्या किया, ठीक है लिख लेंगे बाद में। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर वह होगा जो उस अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर के विकर्ण का अंतिम अक्षर होगा। तो हमें वो अक्षर को ढूंढा, वो अक्षर हमने कैसे ढूंढा, स्तंभ एक के सबसे नीचे, स्तंभ एक के सबसे नीचे के विकर्ण का दूसरा अक्षर ये था, फिर दो ऊपर जाना था, दो लेफ्ट जाना था, और विकर्ण का लास्ट था, और यहाँ लास्ट पे आके हमें क्या करना था, इससे इससे एक्सचेंज भी करना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस टाइप के क्वेश्चन में, मतलब अगर आप कहीं पे भी अगर थोड़ी सी मतलब सावधानी आपने नहीं रखी तो आप क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को कर देंगे गलत। और इस टाइप का क्वेश्चन गलत करने का मतलब फ्रेंड समझ रहे बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्यों, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा आपने क्या किया, इस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट किया, और टाइम वेस्ट करने के बाद क्या किया, क्वेश्चन को भी गलत कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संपूर्ण तालिका के दोनों विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर वह होगा। तो देखो दोनों विकर्णों को उल्टे क्रम में लिखना अपन लोग लिखेंगे बाद में, पहले देखते हैं जो पंक्ति दो के पहले अक्षर, पंक्ति दो के पहले अक्षर, पंक्ति दो का पहला अक्षर देखो, पंक्ति दो ये होगी, पंक्ति दो का पहला अक्षर, पंक्ति दो के पहले अक्षर के सबसे नीचे अक्षर, तो पंक्ति दो के पहले अक्षर के सबसे नीचे अक्षर ये वाला हो गया, सबसे नीचे अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर होगा, तो इसके विकर्ण का तीसरा अक्षर, तो ये तो हो गया विकर्ण। अब इसका तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो इसका तीसरा अक्षर देख लो फ्रेंड, हमने बताया था कि ये वाला छोड़ना है, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा अक्षर ये होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, आंसर टिक करने से पहले आप एकदम अपने खून में ये चीज़ को घुसा लो, यहाँ पे एकदम अपने खून में ये चीज़ घुसा लो कि आंसर टिक करने से पहले हम एक बार ज़रूर देखेंगे कि कोई एक्सचेंज हो रहा है। जैसे अगर वॉच के केस में देखेंगे तो हम देखेंगे एक्सचेंज हो रहा है कि पता चला कि इधर M1 से N5 एक्सचेंज हो रहा है, इस टाइप का एक्सचेंज हो रहा है, या टेबल में देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर या यहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का ज़रूर देखेंगे, पता चला यहाँ तक हम आ गए और हमने क्या किया कि यहाँ पे आए और हमने देखा, हमने ए लिया और आंसर लगाया ए और आगे बढ़ गए, तो पता चला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों विकर्णों को उल्टे क्रम में भी लिखना है। अब उल्टे क्रम में लिखेंगे तो देखो, इसे उल्टे क्रम में लिखेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए ए ई सी ई, तो यहाँ क्या जाएगा, ए ए ई सी ई, ऐसे हो जाएगा। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे फिर कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। पता चला एक आध क्वेश्चन अगर बाई मिस्टेक अगर गलत हो जाएगा तब भी बढ़िया नंबर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तालिका के चारों विकर्णों को एक्सचेंज करने पर बाएं से पंक्ति 4 का चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखो फ्रेंड, इस टाइप के छोटे से क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को ही अगर 10 क्वेश्चंस को रख दिया जाए तो बहुत अच्छे से मतलब IQ लेवल को चेक किया जा सकता है। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, समझने की कोशिश करते, देखो एक क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट को इसमें घुसाया गया। सबसे पहले देखो, तालिका के चारों विकर्ण, एक तो चार विकर्ण वाला कॉन्सेप्ट को डाला है, एक्सचेंज करने पर, ठीक है, बाएं से। तो देखो ये अभी बताया था कि चारों विकर्ण को एक्सचेंज करने पे क्या होगा कि कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, करने पर बाएं से। देखो एक चीज़ ये भी आ रहा था डाउट कि सर बाएं से या बाएं की तरफ को दिक्कत हो रही थी कि
मतलब ऐसा केस होगा तो इधर को जाएंगे या इधर को आएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। जैसे यहाँ पे कह रहा है एक्सचेंज करने पर बाएं से, तो मतलब बाएं से मतलब लेफ़्ट साइड से, तो यहाँ से लेफ़्ट क्या होगा आपका, ये होगा इधर से इधर को बढ़ना है। अब अगर बोल देता बाई बाई तरफ जाने पर, तो बाई तरफ मतलब इस तरफ को बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में लैंग्वेज को क्लियर नहीं हो रही है बाई दबे, तो इंग्लिश में लैंग्वेज को क्लियर कर लो। अगर इंग्लिश में नहीं हो रही तो हिंदी में कर लो। क्वेश्चन है वो बायलैंगुअल आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज में आपको मिलता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में। और अगर दोनों में अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्शन वगैरह किया जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी होने वाली है नहीं। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट को अच्छा बना के चलिए हम। तो एक्सचेंज करने पर, चारों विकरणों को एक्सचेंज करने पर बाएं से पंक्ति चार, बाएं से पंक्ति चार, बाएं मतलब लेफ्ट से पंक्ति चार की बात हो रही है, तो पंक्ति चार, ये पंक्ति चार का चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा अक्षर होगा ये। ठीक है, अब चारों विकर्णों को एक्सचेंज करने पर, ठीक है, तो एक्सचेंज करने पर क्या होगा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वी। ठीक है, तो इस टाइप के छोटे से क्वेश्चन को देखो, ऐसा है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन हमारे जो भी मतलब एक टेबल पे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे जो जब मैक्सिमम अगर जैसे कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा तो वो 2 और 3, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये हार्ड होगा ना तो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे कि जो टी स्कोर से पता ही चल रहा है। तो कोई खास टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब अगर आप आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं CBT 2B में, मतलब 2A में, तो मतलब आराम से मस्ती के साथ तैयारी करनी है। बस ये करना है कि इतना मस्ती भी नहीं करना है कि किसी में फेल हो जाए। ठीक है, बाकी का ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। और जिन जो कट ऑफ के पास में है वो तो एकदम मतलब लगे रहें, क्योंकि आज एक बंदे ने मुझे रिजल्ट शेयर किया था, मतलब उसने टी स्कोर वाला रिजल्ट शेयर किया था, तो उसका 4 टेस्ट बैटरी में क्या था फ्रेंड्स, 100% था, और एक में 96 पॉइंट कुछ था। तो बंदा बोल रहा था कि सर और कैसे इम्प्रूव किया जाए। मैंने कहा अब और ज़्यादा इम्प्रूव मत करो, इससे ज़्यादा क्या इम्प्रूव करोगे, इतना ही बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो मतलब यह है कि मतलब शांत भी नहीं बैठना, ये सोचो, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट है वो भी एग्ज़ाम की। मतलब मैंने आज कम्युनिटी पे शेयर किया था कि अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट यहाँ पे आ जाने वाला है, तो मतलब ऑन द ट्रैक रहिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, तालिका के मध्य अक्षर। हाँ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें आ रही है कि क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज घूमने उमने वाले में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन से यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तालिका के मध्य अक्षर से, तो तालिका का मध्य अक्षर क्या होता है, ये होता है मध्य अक्षर से दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉक वाइज। ठीक है, चलकर पंक्ति 5 के अंतिम अक्षर से, पंक्ति 5, देखो क्वेश्चन को पढ़ते रहो और पॉइंट को नोटिस करते रहो। जैसे यहाँ क्लॉक वाइज है तो क्लॉक वाइज हमारे माइंड में तुरंत आ गया क्लॉक वाइज। क्वेश्चन को अपन लोगों को बार बार नहीं पढ़ना है, माइंड में सेट रखना है, क्योंकि टाइम इतना भी ज़्यादा नहीं होगा कि इतनी मस्ती के साथ पढ़ें। क्लॉक वाइज चलकर पंक्ति 5 के अंतिम अक्षर, पंक्ति 5 का अंतिम अक्षर ये हो गया, से होते हुए पुनः वहीं पहुँचे इस प्रकार। पुनः वहीं पहुँचे, पुनः वहीं पहुँचे मतलब यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, अब घूम घाम के जाना है तो इस तरीके से कैसे जाना, क्लॉक वाइज जाना है। तो देखो यहाँ से क्लॉक वाइज तो ऐसे जाओगे, ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे घूमे होगे, तो ये देखो पूरा क्या हो गया। कि देखो इस केस में एक एक डाउट आ रहा था कि मतलब कैसे घूमा जाए, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करना कि इस टाइप से अगर टेबल बनी है ऐसे, तो ये भी नहीं होगा कि यहाँ पे, एक मिनट, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पता चला यहाँ से एक एक ऊपर को बढ़े और यहाँ पे 4 इधर बढ़े और इधर पे 5 इधर बढ़े, इस टाइप से नहीं है। ठीक है, हमें जो घूमना होगा, या फिर क्वेश्चन में क्लियर कर रहा होगा, नहीं तो क्या होगा, स्क्वायर की फॉर्म में घूमना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, इस तरीके से क्लॉक वाइज जाके, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जाके, और वापस वहीं पर आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार बनी आकृति में बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो ये आकृति देखो क्या बनी आकृति, यहाँ पे आकृति बनी है स्क्वायर, और स्क्वायर के बीच में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंक्ति पाँच के विकर्ण पर चलकर, पंक्ति पाँच का विकर्ण देखो, पंक्ति पाँच का विकर्ण है सीधे पंक्ति पाँच दिमाग में आए, यह है और ये पहला अक्षर यह है, पंक्ति पाँच का विकर्ण मतलब ये चलते हुए जाओ, चलें चलकर कॉलम पाँच तक पहुँचें, कॉलम पाँच तक पहुँच कर नीचे दाएं कोने पर पहुँचें। देखो कॉलम पाँच पर पहुँचें पहले तो, कॉमा नीचे दाएं कोने पर पहुँचें, दायां मतलब राइट और नीचे की बात हो रही है तो वीलो, तो यही हो गया, तो मतलब यहाँ से आके ये पहुँचना है, पहुँचें। इस रास्ते में कौन सा अक्षर युग्म पेयर आया है तथा वर्णमाला का अंतिम अक्षर है? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन, देखो कौन सा अक्षर पेयर में आया है, ठीक है, इस रास्ते में कौन सा अक्षर यह युग्म पेयर में आया है, वर्णमाला का अंतिम अक्षर। देखो जैसे कि पता चला यहाँ पे ए बी सी डी ई हमारे ए बी सी डी ई हैं, ठीक है, अब पता चला ए बी पेयर में है, दो बार ए आया है और सी भी दो बार आया है और डी भी दो बार आया है, तो आंसर हमारा क्या होगा, वर्णमाला का अंतिम अक्षर है, यहाँ पे चीज़ देख ली तो वर्णमाला का अंतिम कौन सा होगा, डी होगा, तो डी आंसर होगा, इस टाइप से हमें करना है टिक। चलो खैर ये तो एक समझाने के लिए था, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे में क्या है। इसमें देखो फ्रेंड ए पेयर में ए आया है और ई पेयर में नहीं आया है, ई नहीं आया है, उसके बाद में सी पेयर में आया है और बी और डी नहीं है, तो देखो वही बात आ गई, यहाँ पे क्या है हमारा ए पेयर में है और सी पेयर में, ये नहीं बहुत जल्दबाजी में देखा कि हाँ पेयर में कौन सा आया है, पेयर में देखो ए आया है और आंसर ए लगा के आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारा ए और सी क्या है, दोनों पेयर में है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और वीडियो को तो लाइक किया ही करिए, आप जब वीडियो लाइक करते हैं तो उसका मतलब अच्छा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो बढ़िया लगता है, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बाकी का प्रैक्टिस करते रहो, रिजल्ट जल्दी आएगा, ऑन द ट्रैक रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।